सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया है। ट्रूडो की टिप्पणी पर कनाडा के राजदूत को तलब किया गया है। कनाडा के बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर तलब किया गया है और कनाडा के राजदूत है जिनको भारतीय उच्चायुक्त पर क्योंकि बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे जिसके बाद ये तलब किया गया। इन्हें अदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ। अदिति जरा डिटेल्स देंगे इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जो एमईए के सीनियर जो स्पोक्सपर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है 3 घंटे पहले और आपको बता दें कि साफ किया है कि किस तरीके से बार बार ऐसी बातें उठकर आ रही हैं, आरोप बेबुनियाद आरोप कनाडा की तरफ से लगाए जा रहे हैं भारत को लेकर, वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एमईए ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है, विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त को तलब किया है और जिसकी जानकारी एमईए की तरफ से आधिकारिक आ गई है, प्रेस रिलीज आ गई है। कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर ये पूछना है, बात करनी है कि किस स्तर पर ये जो बयानबाजी है, टिप्पणियां हैं भारत के खिलाफ और भारत पे बेबुनियाद जो बयान है उसके आधार क्या है। और देखिए इसमें साफ तरीके से भारत जो है, भारत सरकार है, वो दो टूक कनाडा के उच्चायुक्त को ये बताना चाहती है कि अगर इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगते रहे तो भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और इसी के चलते कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। आपको याद होगा और हमारे दर्शकों को याद होगा कि किस तरीके से जब उनके पार्लियामेंट के अंदर भारतीय एजेंट का जिक्र किया गया था तब भी भारत ने कनाडा के साथ जो रिश्ते हुए थे वो इस तरह से कर दिए गए कि जितने भी यहाँ पर जो ऑफिसर्स तैनात थे उन सबको वापस भेज दिया गया था, यहाँ तक की फ्लाइट और आवाजाही तक भी सवाल उठ गए थे। ऐसे में भारत ने ये साफ कर दिया, ट्वीट भी कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उच्चायुक्त को तलब किया गया है इस पूरे मसले पर जानकारी के लिए कि बिना किसी आधार के आप इस तरह के बेबुनियाद आरोप और विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त को तलब किया। बिल्कुल, और इसे राजनीति से भी प्रेरित बता दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से कनाडा के आरोपों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।